राम सहारे कांग्रेस सरकार, राम सहारे कांग्रेस सरकार। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले जहां नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है, वहीं लगभग सभी राजनीतिक दल टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों की ओर से फिल्मी सितारे और नामचीन हस्तियों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, जिससे लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड का तड़का भी लगा है। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे। अब राम खुद ही लोकसभा चुनाव में खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि मेरठ से 80 के दशक के रामानंद सागर द्वारा निर्मित लोकप्रिय सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल मैदान में आ चुके हैं। बीजेपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रहे रामायण के राम यानी अरुण गोविल बीजेपी के रथ पर सवार हो गए हैं। उनके चुनाव मैदान में आते ही वर्ष 1988 में कांग्रेस के लिए उनके द्वारा किया गया चुनाव प्रचार की यादें भी फिर से ताजा हो गई हैं। अरुण गोविल के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि वो इससे पहले भी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी पर राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी भी 35 साल पहले राम के नाम पर वोट मांग चुकी है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस का ये फार्मूला फेल हो गया था। अरुण गोविल ने कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव प्रचार वर्ष 1988 में प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शास्त्री के समर्थन में किया था। अरुण गोविल ने प्रयागराज के पीडी टंडन पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इस जनसभा में कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। खुद मंच से अरुण गोविल ने भी जय श्री राम के नारे लगाए थे और कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शास्त्री के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील भी की थी, लेकिन अरुण गोविल की अपील काम नहीं आई थी और कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शास्त्री को हार का सामना करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह उम्मीदवार हुए और उनके विरोध में कांग्रेस ने सुनील शास्त्री जी को चुनाव में उतारा, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र थे। और उस चुनाव में के पहले ये बहुत मंथन चला कांग्रेस में कि किस तरह से अमिताभ बच्चन ऐसे पॉपुलर व्यक्ति की जीत के बाद कांग्रेस उपचुनाव में अपनी जीत को बरकरार रखे, ये अहम मुद्दा था। और बहुत गोपनीय तरीके से दिल्ली में विचार विमर्श करके कांग्रेस आला कमान ने उस समय के चर्चित अभिनेता लोकप्रिय अरुण गोविल जी का नाम तय किया। अब उस वक्त पुराने लोगों को याद होगा कि रामायण सीरियल में जब अरुण गोविल जी ने राम का किरदार निभाया, उस समय सारे हिंदुस्तान का में एक तरह से जब वो सीरियल आना होता था तो सारे देश में कर्फ्यू जैसा लग जाता था, देश भर की सड़कों पर सन्नाटा आ जाता था। अब कांग्रेस आला कमान ने आकलन किया कि अगर अरुण गोविल को हम लोग मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में इलाहाबाद ले जाते हैं तो कांग्रेस दोबारा अपनी सीट को रिटेन करने में, कायम करने में, रखने में कामयाब होगी। अरुण गोविल जी इलाहाबाद आए और वो भी एक अजीब संयोग था कि वो 12 बजे इलाहाबाद पहुंचे और उनके साथ सीताराम केसरी और वो जितिन प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद, ये सारे दिल्ली के नेता आए हुए थे। अच्छा, तो उस वक्त प्रश्न ये हुआ कि 12 बजे पहुंचे हैं और शाम को सभा होनी है, तो इतने अल्प समय में कैसे सारे शहर में सूचना हो। अल्टीमेटली ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई कि सभा का इंतजाम हो सकता है क्या, हमने कहा होगा। अब बीच में 4 घंटे का समय था, मेरे दिमाग में एक औंधा कि सारे शहर में जो 40 कांग्रेस के कार्यालय खुले हैं हर वार्ड में लाउड स्पीकर है, बस सूचना भर पहुंच जाए और 40 वार्ड के लाउड स्पीकर से ऐलान होना शुरू हो जाएगा कि अरुण गोविल आए हैं। इसी विचार जब मन में कौंधा तभी मैंने भी इसकी जिम्मेदारी ली और सभा पीडी टंडन पार्क में आयोजित हुई। अब पीडी टंडन पार्क में सभा में भीड़ का अद्भुत आलम था। पीडी टंडन पार्क के पीछे बिजली घर तक भीड़ थी,
दूसरी तरफ पूरब की तरफ सीएबी इंटर कॉलेज के आगे तक भीड़ थी, तीसरी तरफ कंपनी बाग के फाटक भीड़ थी, चौथी तरफ सिविल लाइन्स के सुभाष चौक तक भीड़ थी। यानी इतनी बड़ी भीड़, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब सन 1941 में सुभाष बाबू इलाहाबाद आए थे सुभाष चंद्र बोस, तब वो भीड़ हुई थी। अब आकलन ये था उस सभा को देखने के बाद कि कांग्रेस की ये सीट निकल गई और बड़े अपार बहुमत के साथ कांग्रेस विजयी होने जा रही। और उस सभा में अंत में अपने संबोधन के उपरांत अरुण गोविल ने अपने संबोधन में आमतौर वो सब बातें कही कि देश में शुचिता लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए, ये मर्यादाएं लाने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के उम्मीदवार पुनः आपके बीच में जीतें। सभा के अंत में उन्होंने जय सिया राम तक के नारे लगाए और हजारों की भीड़ उनके साथ साथ जय सिया राम के नारे लगाने लगी। तीन बार उन्होंने नारे लगाए। अब कुछ लोग उस वक्त चौंके भी कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के मंच से जय सिया राम के नारे क्यों लगे, वो एक अलग प्रश्न था। लेकिन अमिताभ इनके वीर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समर्थन में चौधरी देवी लाल जो उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, देश के मंत्री रहे, वो 1000 वॉलंटियर्स की टीम के साथ इलाहाबाद आए थे। और उस चुनाव की खास बात ये थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मोटरसाइकिल से अपने चुनाव का अभियान किया था, ले देकर अरुण गोविल का आना और दूसरी तरफ से वो समाजवादियों को वो कंपेन, कांग्रेस उसी चुनाव की जीत नहीं सकी, अंततो गत्वा कांग्रेस की हार हुई। हार का एक बहुत बड़ा ये भी कारण था कि बच्चन, अमिताभ बच्चन ने अपनी लोकप्रियता को राजनैतिक तरीके से जनता के बीच रख दिया था, जो अरुण गोविल जी उस तरह से उस पैटर्न से अपनी बात नहीं रख पाए पुरुषोत्तम दत्तन पार्क में। और दूसरे बच्चन के इस्तीफे के बाद भी लोगों के मन में एक रोष था और गुस्सा था। इलाहाबाद के लोग हरगिज ये नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन इस्तीफा देकर राजनीति से बाहर जाए, लेकिन वो बोफोर्स का नारा देकर और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सारे देश में अपनी जेब से कागज दिखाते थे कि ये चुनाव के सत्ता परिवर्तन के बाद ये बोफोर्स के मुलजिम जेल में होंगे। हालांकि बाद में न्यायालय में मुकदमे चले और बोफोर्स का किस्सा एक झूठा किस्सा साबित हुआ, लेकिन बोफोर्स का वो कार्ड काम आ गया और अरुण गोविल की वो राष्ट्र स्तरीय ख्याति कांग्रेस को जिताने में कामयाब न हो सकी। जाते जाते मंच से उन्होंने मतलब एक संबोधन की लोगों को नारा दिया था, अब की बार कांग्रेस को राम के सहारे लेके चलना है। जी उन्होंने बिल्कुल क्या बोला था उन्होंने, राम सहारे कांग्रेस सरकार, राम सहारे कांग्रेस सरकार। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और